हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी की रसोई। तो क्या आप बैंगन का भरता खाकर हो गए हो बोर? तो ट्राई करें मसाला बैंगन, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मसाला बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इन छोटे वाले बैंगनों का इस्तेमाल किया है। इस बैंगन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया है, क्योंकि इसके बाद मुझे इसे तलना है, तो मैंने इसे अच्छे तरीके से सुखा लिया है। तो अब इसे काट लेते हैं। इसे काटना इस तरीके से है, पूरा नहीं काटना है, यहाँ तक कट करके और इस तरीके से यहाँ तक कट करना है, क्योंकि जब हम मसाला बनाएंगे तो मसाला हमारा अंदर तक भरना चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरीके से कट करेंगे। तो अब बाकी बैंगनों को भी मैं इसी तरीके से काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी बैंगनों को काट लिया है, मगर काटते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बैंगन को काटते हो तो इसके बीच में आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं ये बैंगन सड़ा तो नहीं है या इसमें कीड़ा तो नहीं लगा। अगर ऐसा है तो आप उसे अलग कर लीजिएगा। तो अब मैं करूँगी बैंगनों को फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ तेल। तो तेल यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तब मैं इसमें एक एक करके बैंगनों को डालती जाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सभी बैंगनों को डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखी है, इसे फुल नहीं करना है। अगर फुल करेंगे तो ये जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैंने इसे मीडियम पे करा है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है इस तरीके से। तो बैंगन यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं कर दूंगी गैस को बंद और इसे अलग निकाल लूंगी। तो बैंगन को इस तरीके से अलग निकाल लेंगे। तो मसाला बैंगन बनाने के लिए अब मैं बना रही हूँ मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है तेल, तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, यहाँ मैंने डाला जीरा। और तो अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर दो बड़े प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे चला लेंगे। इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, वो भी इसमें डालकर मैं चला लूंगी। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर दो बड़े टमाटरों का इस्तेमाल किया जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो मसाला थोड़ा चटपटा सा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, और फिर इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और फिर मैं इसे टमाटरों को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो मसाला तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने बैंगन तले थे, उन बैंगनों को इसमें डाल लेंगे। अब इसे हल्के हाथों से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। तो आखिरी में मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, इस तरीके से हाथों को रब करते हुए, और इसे चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बैंगन बिल्कुल तैयार है। तो गैस को कर लेंगे बंद और इसे सर्व कर लेंगे। तो तैयार है यहाँ पर हमारा मसाला बैंगन। तो आपने देखा, ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।